अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और उस्ताद मैं हूं अबू डेली पाकिस्तान के साथ और ये फैसल है टेंशन मास्टर फैसल टेंशन मास्टर बड़ा मुनफरिद किस्म का काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? अगर आप अपनी बीवी से नाराज है, अपने बॉस से नाराज है, अपनी नौकरानी से नाराज है, अपने किसी दोस्त से नाराज है, अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज है, अपने बॉयफ्रेंड से नाराज है, या आप उनके ऊपर गुस्सा है, तो आप ये फैसल भाई को फोन करते हैं और फैसल भाई जो है आपका सारा गुस्सा सुनते हैं और आप जो गालियां वगैरह देते हैं यही सुनते हैं और आपका गुस्सा ठंडा करने में आपको बहुत कारामद साबित होते हैं और हर गाली के और हर फोन के जो है वो मुनाफा भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। तो बड़ा मुनफरिद किस्म का और दिलचस्प किस्म का और हैरान कर किस्म का ये काम करते हैं। बाकी क्या काम करते हैं ये नहीं सोचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर। उस्ताद फैसल टेंशन मास्टर क्या काम करते हैं? गालियाँ खाता हूँ। क्यों खाते गाली? गालियों के पैसे मिलते हैं। शुरू में फ्री में हर बंदा गाली देता था, मैंने सोचा यही काम कर लेता हूँ, अब पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए आपका गालियों वाला बिजनेस क्या है? ये आपको जिस शख्स पे गुस्सा होना, चाहे वो आपकी बीवी है, आपके घर में कोई नौकरानी है, भाई है, दोस्त है, कोई भी है, आपका बॉस है, आप उस पर गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, वो आपको सामने बात नहीं करने देता, तो आप उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं, उसके मैं चार्जेस लेता हूँ। अगर आपने सिंपल गुस्सा निकालना है तो उसका 100 रुपये पर आवर है, अगर आपने गालियाँ देनी है तो उसका 200 है, अगर आपने कोई थप्पड़ लगाना है तो उसका 500। अच्छा आप फोन पे ही गालियाँ सुनते हैं या किसी ने लाइव भी देनी हो तो आप सुन लेते हैं? अभी तक 6 महीने हो गए, लाइव एक बंदा मिला है, उसने थप्पड़ मारना था, उसने मुझे 1000 रुपये दिए। मुझे बताइए गालियाँ सुन सुन के आपका मुँह ऐसा हो गया या पैसे पहले से ऐसा था? मुँह तो खैर पहले से ऐसा था, अब हालत भी ऐसी हो गई है। दुनिया में जो है इतने ज़्यादा कारोबार है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपने यही काम क्यों चूज़ किया? क्योंकि शुरू से गालियाँ मिल रही थी तो मैंने इसीलिए यही काम कर लिया कि गालियों के पैसे ले लेता हूँ। सही वाला बताइए, इस कारोबार के ऊपर कोई फ़ायदा है? लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपको? जी जी बहुत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कॉल आती है। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बंदा रखा हुआ है जो कॉल वगैरह अरेंज करता है, अभी जो बड़ी ईद आने वाली है उस तक बिजी हूँ, बिल्कुल भी एक कॉल की भी गुंजाइश नहीं है। मुझे बताया कि जब लोग आपको फोन करते हैं तो वो अपनी शनाख्त, अपना नाम, चीजें बताते हैं आपको? हर चीज बताते हैं और जिस पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं उसका नाम भी बताते हैं। ज्यादातर गालियाँ आपको किस बात पे पड़ती है? सर ये जो पापा की परियां और बाबा के जाल होते हैं ना, मेन मसला इनका चल रहा है आज, और रात को 12 बजे ना लड़की ब्रेकअप करके मेरी पिक्चर सेंड कर देती है कि टेंशन मास्टर है, वो टेंशन में ना आ रहे, बस इसके साथ गुस्सा करता रहा है मेरा। किस तरह की गालियाँ आपको सुनने को मिलती है? पहले तो सिंपल होती थी, माँ बहन फुफो खाला उनकी, वो मैं इधर बता नहीं सकता क्या कहते, अब बाप भाई बेटा इनकी जो आ गई है ना, अल्लाह माफी, 0 मीटर मेरी 24 साल है जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मुझे बताया पठान लोग भी आपसे रब्ता करते हैं? पठान अक्सर करते हैं, वो अपनी जुबान में बात करते हैं। पछतो गालियाँ भी खाते हैं? वो गालियाँ देते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मैं फिर इंजॉय करता हूँ। मुझे बताया कि लड़कियाँ भी गालियाँ देती हैं या सिर्फ रोती हैं या गुस्सा करती हैं? लड़कियाँ देती हैं, तेरी बाप का भाई का इस टाइप देती हैं, खोल 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 के देती हैं। अच्छा मुझे बताया सबसे ज्यादा गालियाँ जो है वो कौन से करेक्टर को पड़ी है, मतलब बीवी को, बॉस को, गर्लफ्रेंड को, भाई को, बहन को, ज्यादातर कंप्लेंट्स कौन से करेक्टर के हवाले से आ रही है? दो, एक बीवी एक गर्लफ्रेंड। बीवी का ये चक्कर है कि यार ये बस आफत है, लग रही है चली जाए। गर्लफ्रेंड का ये है कि वो बुला कर। अच्छा जी टेंशन मास्टर मुझे ये बताया कि लव मैरिज वाले खावन ज्यादा फोन करते हैं या अरेंज मैरिज वाले? लव मैरिज वाले। क्या वजह लव मैरिज? वो लड़कियां लाडली होती है ना उधर, तो फिर वो खाना नहीं पका के देती, और सुबह सुबह जब खाना नहीं मिलता ना लड़कों को तो वो डांट मिलती है नाश्ते में, घर से बाहर रोटी लेने जा रहे होते हैं फिर मुझे रास्ते में गाल कर देते हैं। रास्ते में आपको फोन कर देते? जी जी मुझे कर दे, सारा गुस्सा रास्ते में निकाल, सारा तंदूर तक सारा गुस्सा, ठंडा हो गया वापस जाते हैं। जी जी फिर रिलैक्स होके जान, ये खाना खाए रोटी लेके आया। डिस्काउंट भी है किसी फोन के ऊपर? रेगुलर कस्टमर होते हैं जो, या ऐसा कह लें कि यार मुझे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बात करनी है, उनके लिए फिर रियायत होती है। डिस्काउंट दे? जी जी डिस्काउंट दे। लोग जो आपको पेमेंट जो है वो किस तरह भेजते हैं, जैसे कैसे इजी पे? वो जो उनका अकाउंट हो, मेरे पास तमाम है, बैंक अकाउंट तक के हर चीज़ है। महाना आप कितने पैसे कमा लेते हैं?
महाना 20 से 25 हज़ार फिलहाल अभी भी स्टार्ट किया ना, इतनी कमा के। एक फोन के कितने पैसे? 100 रुपया सिंपल सिंपल। गालियों वाला 200। और अगर मिलने जाना हो मुँह? वो एक थप्पड़ का 500 रुपया। अगर आपको अपने बीवी में गुस्सा, अपने खामत में गुस्सा, अपने बच्चों में गुस्सा, अपने नौकरानी में गुस्सा, अपने किसी रिश्तेदार में गुस्सा, अपने किसी फूफी में गुस्सा, ताई में गुस्सा, बॉस में गुस्सा है, वर्कर में गुस्सा है, दोस्तों में गुस्सा है, किसी भी बंदे में गुस्सा है, तो आप जो है वो टेंशन मास्टर फैसल को जो है फोन कर सकते हैं और बेझिझक होके, खुले आम होके, जैसे मर्जी जो है इन्हें गालियां दे सकते हैं, इन्हें बुरा भला कह सकते हैं। हर फोन का 100 रुपया लगेगा और ये जो है आपकी सारी टेंशन रिलीज कर लेंगे, आपकी सारी गालियाँ जो है वो खुद को खा लेंगे। तो क्या जबरदस्त किस्म का ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इनका काम जो है पसंद आया होगा। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।